देखिए, आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही प्यारा और ब्यूटीफुल डिजाइन। और ये कुछ आप नया और यूनिक बनाना चाहते हैं तो ये डिजाइन आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जेंट्स स्वेटर में, लेडीज स्वेटर में और बच्चों के स्वेटर में बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है ये। इसे आप बनाइएगा फ्रेंड्स। और इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन की घंटी, उसे प्रेस करना न भूलिएगा, जिससे कि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, चलिए आपको ये डिजाइन बताना शुरू करते हैं। ये देखिए, 4 के मल्टीपल ये डिजाइन बनेगा। और इसके लिए हमने जो है 18 फंदे लिए हुए हैं। 4 4+4 के मल्टीपल ये डिजाइन पड़ेगा, +2 हमने साइड के एड स्टिच लिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इस डिजाइन को चलिए बनाते हैं। और ये 4 रो में डिजाइन बनकर तैयार होगा। तो ये हमारा बेसिक रो रॉन्ग साइड है। तो अगर आपको बॉर्डर बनाने के बाद फंदे वगैरह बढ़ाने हैं तो आप जो है रॉन्ग साइड से ये इसी में आप फंदे बना लीजिएगा। तो देखिए, ये जो है हमारा बेसिक रो है रॉन्ग साइड। ये हमारा बेसिक रो रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब हम आ गए राइट साइड और डिजाइन का रो 1, डिजाइन पैटर्न का जो हमारा रो 1 है। तो हम फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे। अगर आप बुनाई करते हो तो बुनाई कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अब देखिए, हम डिजाइन बनाते हैं तो पहले फर्स्ट फंदे में हम बुनाई करेंगे, लेकिन इसे स्लिप नहीं करना है। इसी के साथ देखिए, हमने एक फंदा हमने ये बुनाई किया है, ये 1 फंदे हमने ये बुनाई किए हैं। तो फिर हम इसी के साथ हम सेकंड फंदे की बुनाई करेंगे। देखिए, हमारे ये 2 फंदे हो गए। ये साइड का एड स्टिच है, 1 2 2 फंदे हमने बुनाई किए हैं, लेकिन इसे स्लिप नहीं करना है। फिर हम थर्ड बार, देखिए थर्ड बार हम ऐसे थर्ड फंदे को लेकर बुनाई करेंगे, 1 2 3 और 1 एड स्टिच है। अब देखिए, अब 4 फंदे को भी हम इसी के साथ बुनाई करेंगे। अब देखिए, हमने 4 फंदे बुनाई किया, अब इसे हम स्लिप कर देंगे। ये साइड का एड स्टिच है, 1 2 3 4, 4 फंदे हमने बुनाई किया। अब इसी पैटर्न को हम यहाँ ये 4 फंदे में अप्लाई करेंगे। तो देखिए, रिपीट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, पहले फर्स्ट फंदे को बैक साइड से हमने 1 बार बुनाई किया, फिर हम सेकंड फंदे को साथ में बुनाई करेंगे, फिर हम एक थर्ड फंदे को साथ में बुनाई करेंगे। देखिए, फिर इसके बाद जो है 4 फंदे की हम बुनाई करेंगे। अब हमने ये 4 फंदे बुनाई किया, अब इसे स्लिप कर देंगे। देखिए, 1 2 3 4। अब इस 4 फंदे में हम इस पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो देखिए, 1, फिर सेकंड फंदे के को इसी में ऐड करेंगे और बुनाई करेंगे, 2, फिर थर्ड फंदे को ऐड करेंगे, बुनाई करेंगे, 3, फिर देखिए 4 फंदे को हम इसमें ऐड करेंगे और बुनाई करेंगे। तो देखिए, 1, इसे अब इसे स्लिप कर देंगे, फिर 1 2 3 4, फिर अब इस 4 फंदे में हम डिजाइन को रिपीट करेंगे। तो देखिए,
वन टू, अब देखिए थर्ड फंदे को ऐड करेंगे इसमें, थ्री, अब जो है फोर फंदे को ऐड करेंगे इसमें, फोर, देखिए अब इसे स्लिप कर देंगे, वन टू थ्री फोर। अब लास्ट का एड स्टिच है, इसे हम बुन लेते हैं। तो देखिए हमारा ये डिजाइन का फर्स्ट रो फ्रेंड्स कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं सेकेंड रो, सेकेंड रो रॉन्ग साइड। देखिए फर्स्ट फंदे को हम स्लिप करेंगे और फिर एक एक करके सभी फंदों को हम इसी तरह उल्टा बुनाई करेंगे। ये ध्यान में रखिएगा, अगर जब आप रॉन्ग साइड में ये बुनाई करते हैं तो इस फंदे को थोड़ा लूज रखा करिएगा, जिससे कि आपका डिजाइन आप आराम से बना सकें। किसी किसी की बुनाई जो है काफ़ी टाइट होती है, तो थोड़ा सा लूज बुनाई करेंगे तो आपका डिजाइन बनाने में राइट साइड में सही होगा। तो ये हमारा देखिए सेकेंड रो कंप्लीट हो गया। अब फिर हम आ गए राइट साइड। अब राइट साइड में फ्रेंड थोड़े से केवल फंदों का चेंजेस करने हैं, बाकी आप जो फर्स्ट रो है उसी तरह बुनाई करना है। तो हम फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, वन टू, टू फंदे हम और निट कर लेंगे। देखिए साइड का एड स्टिच है, थर्ड रो है ये, साइड का एड स्टिच है, टू फंदे हम बुनाई कर लेते हैं। अब देखिए इन चार फंदों में हम ये डिजाइन को बनाएंगे। देखिए वन टू थ्री फोर, टू इस डिजाइन से, टू इस डिजाइन से। तो देखिए फर्स्ट फंदे को पहले हम बुनाई करेंगे, फिर सेकेंड फंदे को ऐड करके बुनाई करेंगे, फिर ये थर्ड फंदे को हम ऐड करके बुनाई करेंगे, फिर ये हम फोर फंदे को ऐड करके बुनाई कर लेंगे। जब हमारे फोर फंदे हो जाएंगे तो इन्हें हम स्लिप कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये साइड का फंदा है और टू फंदे हमने नीट किए हुए हैं, वन टू थ्री फोर, फोर फंदे में हमने फोर फंदे ये नीट किया है। अब फिर हम इस फोर फंदे में नीट करेंगे। देखिए वन, फिर सेकंड फंदा ऐड करेंगे, टू, देखिए थ्री फंदा ऐड किए और फिर फोर फंदे को ऐड करेंगे। फोर फंदे में ऐड करने के बाद हम स्लिप कर देंगे। फिर इसके बाद देखिए हम यहाँ पर फिर फोर फंदे में जो है डिजाइन को बनाएंगे। तो देखिए पहले फर्स्ट फंदे में बुनाई करेंगे, फिर हम सेकंड फंदे के साथ में बुनाई करेंगे, फिर हम थर्ड फंदे के साथ में बुनाई करेंगे, फिर हम फोर फंदे के साथ में बुनाई करेंगे, इसके बाद हम इसे स्लिप कर देंगे। और जो हमारा ये यहाँ पर हमने देखिए वन टू थ्री, थ्री फंदे हमारे थर्ड रो में यहाँ पर शुरू हुआ था, तो यहाँ पे लास्ट में भी हमारा थ्री फंदे आएंगे। इसे हम सिंपल सादा बुन लेते हैं। तो हमारा ये थर्ड रो कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स अब आते हैं फोर्थ रो में, क्योंकि ये अब हमारा ये फोर्थ रो है, डिजाइन का ये फोर्थ रो है। अब हम इस रो को
कंप्लीट ऐसे उल्टा बुन करके, कंप्लीट करेंगे। ये हमारा 4 रो कंप्लीट हो गया रॉन्ग साइड। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हम ऐसे ही डिजाइन बनता जाएगा और ये 1 से लेके 4 रो तक आप डिजाइन को रिपीट करिएगा। अब यहाँ से जैसे हमने 1st रो में हमने डिजाइन डाला हुआ था, अब यहाँ से आप उसको रिपीट करेंगे और इस डिजाइन को फ्रेंड्स बनाइए। बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है और बहुत ही आसान तरीके से बन करके तैयार होता है। और ये जेंट्स स्वेटर में और लेडीज स्वेटर में बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। फ्रेंड्स आपको ये डिजाइन अच्छी लगी हो, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।